हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का टॉपिक है स्क्रीन टाइम आउट चेंज कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है। सैमसंग के फ़ोन में कैसे स्क्रीन टाइम आउट चेंज करेंगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। स्क्रीन टाइम आउट उसे कहते हैं, ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। उसमें आपको टाइम दिया जाता है आपको कब फ़ोन बंद हो जाए, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, सैमसंग के फ़ोन में कितना टाइम दिया जाता है इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, स्टूडेंट को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। आप अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसमें पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनका जो है स्क्रीन टाइम आउट मान लीजिए 1 सेकंड का लग रखा है, तो 1 सेकंड में आपको फ़ोन बंद हो जाएगा। तो बार बार ऑन करेंगे तो टाइम तो वेस्ट होगा ही। तो फ्रेंड्स, कैसे स्क्रीन टाइम आउट चेंज करेंगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेटिंग को ओपन कर लेंगे। सेटिंग में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है, स्क्रीन टाइम आउट पे क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, और किसी फ़ोन में जो होता है इसमें 30 सेकंड 30 मिनट दिया जाता है, लेकिन बट इसमें नहीं है। इसमें बस 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट है। तो 30 मिनट ज़्यादा है इसलिए मैं 30 मिनट लगा रखी हूँ। इन सब को सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, पैक कर देंगे फ्रेंड्स, आपको सेलेक्ट करके लगा सकते हैं यहाँ से। तो मैं 10 मिनट लगाऊंगी। नीचे आप देख सकते हैं 10 मिनट लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको फ्रेंड्स स्क्रीन टाइम आउट चेंज करना आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।